जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेट की टॉपिक है जिसका नाम क्या है, IRCTC। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है और इस पे आईडी क्रिएट करनी है। क्या करनी है, आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, हो गया पूरा नाम। अच्छा, इंडियन रेलवे आपको पता ही है, आए दिन लोग ट्रेन का काफी यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा भी है। पहले जो लोग यूज करते थे उनके लिए भी अच्छा था। कारण क्या है कि एक साथ बहुत सारे यात्री एक बार में ट्रेवल करते हैं और कहीं ना कहीं से पॉल्यूशन रेट को कम किया जाता है। क्योंकि अगर सोचो जितने उसमें पैसेंजर है, अलग अलग पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं, पर्सनल गाड़ी का यूज करते हैं, तो कितना पॉल्यूशन होता। तो इन सब चीजों, अब तो पॉल्यूशन लेवल जीरो हो गया ट्रेन का, सब इलेक्ट्रिक से हो गई है। वो काफी राहत मिली इन सब चीजों से। और वो पब्लिक भी समझदार ही है। मान लीजिए जो ट्रेन का यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन की यूज कर रहे हैं अपने उसके लिए, ट्रेवलिंग के लिए, से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मान लो हर कोई अगर गोरखपुर जाना है तो हर कोई अपना पर्सनल जा रहा है और बस से जा रहा है, एक बस में बहुत यात्री बैठे हुए हैं, तो वैसे ही बात है। अच्छा, उसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। इंडियन रेलवे में खाने पीने की भी व्यवस्था है, पता है ना, आप सीट नंबर लाउट करिए, बुक करिए, खाना आपके सीट नंबर पे पहुंच जाएगा, पेमेंट लेंगे चले जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, कैटरिंग का मतलब होता है खान भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। हो गया। अब थोड़ा से कुछ कॉमन चीजें जो है थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी आप टिकट, आप आईडी बना सकते हैं, मैंने क्या कहा है, आप आईडी बना सकते हैं। लेकिन एक ही चीज याद रखिएगा, अगर आप खिड़की से, खिड़की का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की जो वो होती है जहाँ से आप टिकट कटाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, खिड़की बोला जाता है, जिसे विंडो बोला जाता है। अगर वहां से लेते हैं आप, तो टिकट की जो एक्चुअल फेयर है, अगर मान लो आपको जाना है गोरखपुर से मुंबई, तो उसकी अगर फीस है, किराया है, फेयर बोलते हैं, 660 रुपए। आप बुक कराएंगे तो इतना ही पैसा देंगे, 660 रुपए। लेकिन अगर आप पर्सनल आईडी से बुकिंग करेंगे तो इस पे आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, कन्वीनियंस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मतलब जहाँ 660 लगेगा, वहां आप अपने आईडी से बुक करेंगे, लगभग तुम्हारा 672 या 80-90 तक पहुंच जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो ज्यादातर लोग इसीलिए 10 रुपया 5 रुपया बचाने के चक्कर में विंडो का यूज करने जा रहा था। और जब भी हम टिकट बुक करते हैं, नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, तो तीन स्टेटस अक्सर टिकट पे दिखाए जाते हैं। तीन स्टेटस कौन से होते हैं, एक होता है GNW, WEL, एक होता है RAC और एक होता है CNM। GNW का मतलब होता है जनरल वेटिंग, यानी आप टिकट कराए हैं तो आपको वेटिंग टिकट मिला है। वेटिंग का मतलब इंतजार करिए, मतलब कोई सीट नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि किसी भी बोगी में आप इधर उधर मंडरा सकते हैं, लेकिन कोई जगह नहीं मिलेगा। हाँ, किसी की जगह पर देखिए बैठ भी जाएंगे तो उसका अगर मन है तो बैठने देगा, और नहीं मन है तो आपको हटा भी सकता है, और आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी के लिए एक सीट अलॉटमेंट होता है। तो वेटिंग से ये फायदा होता है कि टीटी आपको कुछ कहेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका भी उतना ही अधिकार। और ये नहीं पैसे में कोई अंतर होता है, नहीं, GNW टिकट में है तभी भी उतना ही पैसा, RAC है तभी भी इतना ही पैसा, और कन्फर्म है तभी भी इतना ही पैसा, पैसे में कोई अंतर नहीं होता। तो GNW का मतलब क्या होता है, वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब क्या है, आपकी एक सीट कंफर्म है, नहीं है, आप जाके ऐसे इधर उधर मटा। लेकिन हाँ, तो भी GNW की कहाँ से मान्य है, अगर आपने खिड़की से लिया है वेटिंग तभी मान्य है, अगर आपने आईडी से किया आपने, तो जनरल वेटिंग हमारे आईडी से मान्य नहीं होता, यह स्वतः कैंसिल हो जाता है। जैसे ट्रेन का फाइनल चार्ट बनता है और अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो जनरल वेटिंग का जो टिकट होता है स्वतः कैंसिल हो जाता है, और पूरे पैसे जो होते हैं हमारे, वो हमारे उसी इनिशियल बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाते हैं जिससे हमने पेमेंट किया था। प्रारंभ में टिकट बुक करते वक्त जिस पेमेंट मेथड का यूज किया था टिकट बुक करने के लिए, उसी खाते में वापस पैसा जाता है। आप कई लोग जल्दीबाजी में खुद ही लगते हैं कैंसिल करें, अभी तक वेटिंग खत्म नहीं हुआ है, चलो कैंसिल कर देते। खुद से कैंसिल करेंगे तो चार्ज काट लेगा, और वो करेगा तो पूरा पैसा रिफंड करेगा। आप खिड़की से जाके टिकट वापस करते हैं, खिड़की से लिए खिड़की से वापस करते हैं, कम कटता है,
और वही अपने आईडी से किए हैं और टिकट कैंसिल करेंगे तो ज्यादा पैसा कटेगा, रिफंड कम ही आएगा। जैसे कि अगर खिड़की से करें हम तो बहुत होगा 120 रुपया 150 रुपया कटेगा, अगर हम आईडी से बुक किए हैं कैंसिल करते हैं तो 180 रुपया सीधा सीधा कट लेगा, सीधा सीधा 180 रुपया कट लेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो जेएनडब्ल्यू समझ में आ गया, जनरल वेटिंग मतलब सीट कंफर्म नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हैं कंपार्टमेंट में जगह लेके बैठे हैं या पूरा छट्टी बिछा के बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है आरएसी, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब होता है कि तीन सीटें आपने देखा हुआ होता है, एक होता है आपका अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और कितने ट्रेन ट्रेन में बैठी हो कुर्सी, ठीक कितने बर्थ होते हैं तीन, अपर लोअर और मिडिल, तो एक 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 आदमी का एक एक सीट होता है। लेकिन आरएसी का मतलब क्या होता है आधा सीट, अगर एक सीट है तो उसपे आधे की मालिक आप हैं और आधे का दूसरा, जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम दो भाई, दोनों की अलग अलग सीट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 660 रुपए का टिकट है तो 330 330 आधा आधा दिए होंगे, नहीं गाँव है उतना ही पैसा, 660 ये भी देंगे तो 660 ये भी देंगे, बस फर्क से ये क्या होगा इसी सीट के दो मालिक, ठीक है कितने मालिक है दो मालिक है। तो आरएसी का पूरा नाम क्या होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब कि सीट तो मिला लेकिन कितना आधा मिला। और सीएनएफ का मतलब होता है कंफर्म, मींस दैट कि आपका पूरा का पूरा एक सीट आपका है, आप एट मैट जैसे जाना है जाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत। कभी कभी अर्जेंट में हमें कहीं जाना होता है तो हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, क्या बुक करते हैं तत्काल टिकट बोलते हैं, शॉर्टकट में टीक्यू लिखते हैं तत्काल टिकट बोलते हैं। तत्काल में क्या होता है तत्काल में भी आप करेंगे तो ये तीन चीजें आपको मिलेंगी, जनरल वेटिंग आरएसी कंफर्म। तो याद रखिएगा तत्काल में अगर कंफर्म टिकट आपने करा रखा है, तत्काल में 24 घंटा पहले होता है अगर तत्काल करा रखा है तो कंफर्म टिकट कैंसिल नहीं होता है, पहली बात तो ये, और कैंसिल हो भी गया तो कोई पैसा रिफंड नहीं है। नहीं तत्काल में अगर आपका टिकट कंफर्म टिकट है और कैंसिल करवाएंगे तो कैंसिल नहीं होता कि आपको मुंह आए कोई कह दिया, जैसे आप जाने वाली थी दिल्ली लेकिन आपके घर वाले कह दिया कोई बात नहीं एक दिन और रुक जाओ, तो आपको टिकट कैंसिल कराना होगा, कराना चाहेंगे पहली बात होगा नहीं, हो भी गया तो कोई पैसा रिफंड नहीं है। कब अगर तत्काल में आपका कंफर्म टिकट है तो वापस कोई पैसा वापस नहीं, लेकिन वेटिंग है तो पैसा वापस। और ये बात को पता होगा कि अगर नॉर्मल किराया आपका 660 है और तत्काल टिकट लेंगे तो 100 300 रुपया 200 300 रुपया एक्स्ट्रा ही लगेगा। और कितने घंटे पहले टिकट बुक होते हैं 24 घंटे, मतलब अगले दिन पहले दिन मुझे कल जाना तो आज ही, वो भी लिमिट है, खिड़की खुलती है 8 बजे, नॉर्मल के लिए खिड़की कितने बजे खुलती है 8 बजे, और तत्काल एसी के लिए खुलती है 10 बजे और तत्काल स्लीपर के लिए खुलती है 11 बजे, यानी 10 बजे आपकी खिड़की की जो खुलेगी वो भी एसी के लिए, एसी की बुकिंग करनी है 10 बजे और अगर आपको करना है स्लीपर के लिए तो 11 बजे आपकी, तब जाके आप टिकट क्या करेंगे तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। आपकी आईडी में क्या होता है 5 मिनट लेट खुलता है, इस खिड़की की बताया हूँ, आपकी आईडी में 5 मिनट लेट खुलेगा और आप तब तक अक्सर यही होता है कि तब तक क्या हो जाता है सीट भर जाता है, क्योंकि कई जगह खिड़की खुलती है ना वो वाली, कई लोग जगह पहले पहले नंबर पे होंगे, कई लोग एक ही बार आ जाते होंगे टिकट पड़ जाता होगा, तो बहुत ध्यान देना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा ये 10 10 11 वाला बार बहुत बिजी रहता है सर उस टाइम, इसीलिए कभी भी 9:30 से लेके 11:30 के बीच में कभी भी आप नया यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, मतलब नई यूजर आईडी नहीं बना सकते, ऐसा लिख लीजिएगा 9:30 से 11:30 बजे के बीच में आप नई यूजर आईडी नहीं बना सकते IRCTC पे, ऐसा लिख लीजिए 9:30 AM से लेके 11:30 AM तक आप कोई भी नई यूजर आईडी नहीं बना सकते। और एक और बात, जैसे आज हमारे कई बार ऐसा होता है कुछ जगह टिकट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी भर जाते हैं मिलते नहीं है, तो लोग एडवांस बुकिंग करते हैं 3 4 महीना पहले का टिकट बुक कर लेते हैं आज ही, तो ये भी है जैसे आज 1 जून है 2 जून है तो कब तक का टिकट आप बुक कर सकते हैं, आज से लेके 120 दिन आगे तक का टिकट आप बुक कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है 120 दिन, उससे अधिक का टिकट आपको बुक करना हो तो नहीं कर सकते, मतलब आज से लेके दिन के 120 दिन आगे तक का टिकट ही बुक कर सकते हैं,
120 दिन से आगे आप का टिकट नहीं बुक कर सकते। अगर 121 दिन का टिकट बुक करना है तो आज का दिन बीत जाने दीजिए, कल देखिएगा, क्योंकि कल 120 दिन हो जाएगा ना वापस से ये आने में। लिख लीजिएगा कि हम एडवांस बुकिंग में 120 दिन से ज्यादा का बुकिंग नहीं कर सकते। या तो कोई दिक्कत है, सब समझ में आ रहा है ना? झूठ नहीं बोल रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा दिक्कत होगी ना, बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? जहां पॉइंट आपको समझ में ना आए बेझिझक खड़े होकर पूछिए, तब तक जब तक उस चीजें समझ में ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन आपको बुकिंग करनी होती है। और याद है ना मैंने अभी रिसेंटली लोगों को भेजा था, नहीं ये लो लो, मैंने खुद से किया, यही है, 12 रुपये एक्स्ट्रा लगा, कोई बात नहीं है, लगने दीजिए। लेकिन ये उद्देश्य, या तुम्हारे ये फ्यूचर में मुझे नहीं जाना हो, केवल मम्मी को ही जाने दूँ, तो टिकट का कैंसिल करूंगा तो कम से कम रिफंड अच्छा आ जाए, इसलिए मैं चाहता था वहां से। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे होगा तो रिफंड इससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा काटेगा, समझ रही बात ना? चलिए तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, आईडी बनाएंगे। आईडी बनाएंगे लिए दो चीज आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और याद रखिएगा, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही आईडी बना सकते हैं। इसमें भी लिमिटेशन है कि आईडी बन भी गई तो आप महीने में सिर्फ 4 ही टिकट बुक कर सकते हैं। चार मतलब चार आदमी का नहीं कह रहा हूँ, जैसे होता है ना कि एक बार टिकट बुक करते हैं तो इसमें 3 4 लोग का नाम डाल देते हैं, तो उसको एक टिकट काउंट किया जाएगा। अब एक टिकट में चाहे एक आदमी का बना रहे हैं, अच्छा 4 या 5 6 आदमी का बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा। सुना रही मेरी बात है, क्या कहना चाहता हूँ ये याद रखिएगा। और अगर आप आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं अपने आईडी को, तो आप 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हो। तो मेरी आईडी आधार कार्ड से लिंक है, मैं आराम से 12 और कर लेता हूँ, बढ़ जाता है अक्सर, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आईडी बनाते हैं। किसकी आईडी बना रहे हो? बनी हुए हाँ, किसी की बनानी पड़ेगी मुझे, किसी बना रहे बताओ। सर्च करेंगे क्या पहले, IRCTC, और पहले ही नेक्स्ट जनरेशन वाले पे क्लिक कर लेंगे, और सीधा सीधा यहाँ पे आ गया ऑप्शन लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन तब करते हैं जब आईडी हमारे पास पहले होती है, और रजिस्टर करेंगे जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यूजर नेम, चलिए यूजर नेम डाल के तुम्हारी कर देना, मोबाइल नंबर डबल ए की सिंगल, आकिफ, डेट ऑफ बर्थ बता दो, आकिफ आरजे, हाँ एट, पहले से बनाया हो क्या चीज़, चेक कर ले रहे हैं अवेलेबल है कि नहीं, क्लिक करेंगे अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं अवेलेबल होगा रेड में लिख देगा, सॉरी ये आईडी यूज में, ऐसा लिख देगा। चलिए इनका पासवर्ड बना दे रहे हैं, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? क्या नाम है आप, आकिब रजा? पासवर्ड बनाइएगा तो उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का यूज करिएगा, ताकि स्ट्रांग पासवर्ड बने, ठीक है? और प्रीफर्ड लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज प्रीफर करेंगे आप, हिंदी की, इंग्लिश? इंग्लिश। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या ले लिया जाए, पेट नेम, फर्स्ट स्कूल, चाइल्ड हुड हीरो, चलो ये लेते हैं चाइल्ड हीरो। बचपन का हीरो आपका क्या था, शक्तिमान? अरे कुछ तो होगा शक्तिमान, या फिर जूनियर जी कुछ इस टाइप का, चलो शक्तिमान ही लिख देते हैं, क्योंकि तुम्हारे टाइम में शक्तिमान आयरन मैन लिखते हैं, आयरन मैन। ठीक है, और क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू करते हैं। अब आपसे पूछेगा आपका नाम, अरे उसको एसटीए करना पड़ता है और
क्या मांगेगा आपसे? आपका नाम मांगेगा। नाम है आपका आकिफ रजा, आर ए जे, ठीक है। अच्छा तुम लोगों का भतीजा लग रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेशन में क्या ले लिया? स्टूडेंट ले लिया। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नवंबर 18, तो चार करना पड़ेगा, नवंबर 18 ना, ठीक है। मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड। इंडिया, जेंडर में मेल, तीन जेंडर दिए हुए हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी बता दीजिए। AABRARE जो बोले वही लिखो, जो तुम बोल रहे हो ना वो लिखो। आकिब रजा लिख लिए, जो अभी तुम बोल रहे थे उसके बाद। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? जो बोल रहे वही लिखो, जो बोल रहे वही लिखो ना वहां पे। हाँ बहुत मार मारूंगा अभी, लिखो उसको। क्या करते हैं जो तुम बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ आ रहा है मेरा। इसको तुम पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? जो आई बबलू सही है, खड़े बबलू खड़े हो, सही है। क्या होगा आप? जहाँ करेक्शन लगे वहां करेक्शन करिए। तो दिक्कत है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एट दी रेट, एट रेट नहीं, एट दी रेट जीमेल। फोन में लॉगिन है, ईमेल आईडी नहीं वाला, ठीक है। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7268601480 2, सही है। नेशनलिटी में आपका हो गया इंडिया, और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका पूछेगा एड्रेस। ब्लॉक क्या पड़ता है आपका? पड़ोना। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है? तो पड़ोना ब्लॉक पड़ेगा आपका, पड़ोना। कौन सा रोड है वो? कौन सा रोड है वो? अरे नहीं, जैसे रोड कटकुइया रोड है, पे है क्रिया टोला कहाँ है? हाँ तो वही लिख दो। एड्रेस है क्रिया टोला ना, क्रिया टोला। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, नसीम वसीम करके है, नसीम 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 कैफ करके, पता ही नहीं। बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्रिया टोला। पिन कोड 2747 04 है ना। स्टेट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सिटी हो गई आपकी कुशीनगर, पोस्ट ऑफिस हो गया पटना। मोबाइल नंबर फिर से बता दीजिए। 7272660140014802। कह रहा है क्या सेम एड्रेस आपका? रेजिडेंस एड्रेस भी सेम है, हाँ सेम है। और थोड़ा नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे, 3DKVBB पिक करेंगे, और कहेगा हाँ ओके। अब सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को क्या करना होगा? एक्टिवेट करना होगा। फिर से लॉग इन करिए, यूजर नेम आपका होगा वही आकिब आरजे, क्या था? एट क्यों था? एट और
कह रहा ना, आपका ना मोबाइल नंबर वेरीफाई है, ना मोबाइल नंबर वेरीफाई है, ना ईमेल आईडी वेरीफाई भी, ओटीपी करिए, ओटीपी जाएगा, ओटीपी बता दीजिए। सिक्स सेवन एट सिक्स टू सिक्स और सबमिट करेंगे तुरंत ग्रीन हो जाएगा। अभी देखिए ग्रीन हो गया, वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी में भी जाएगा। देखो साइड में दिया होगा छोटा सा 358165 वेरीफाइड हो गया। अब दोबारा लॉगिन करिए, अब इनका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करिए, यूजर आईडी लिख लो अपना, यूजर आईडी तुम्हारा यही है आकिब आरजे, 8 सुनाई दिया मुझे 8 सही है भी वैसे। और यहाँ पे कैप्चा कोड 7UMGK। देखो तुम्हारा नाम दिखाने लगा, वेलकम आकिब रजा। अब टिकट बुक करना है बहुत आसान सा है, कहाँ से कहाँ बुक करना है, तो मान लीजिए कर दिया आपने कल्याण से देवरिया और डेट ले लिया आपने जब भी है 1 सितंबर का मान लीजिए और सर्च कर दिया, आपको तुरंत टिकट टिक जाएगा। यहाँ पे अब पूछ रहा क्या चाहिए आपको, स्लीपर चाहिए, एसी चाहिए, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, जो भी है। तुम्हारे स्लीपर ले लिया, स्लीपर में 287 टिकट अवेलेबल है और ट्रेन नंबर यहाँ दिखाता है, ट्रेन नंबर है, कौन सा ट्रेन है, नीचे करेंगे तो गोदान एक्सप्रेस भी है, इसका ट्रेन नंबर अलग है, लोकमान्य तिलक है वो भी है, उसके नीचे और भी है। जैसे यहाँ से जाते हैं तो लास्ट स्टेशन लोकमान्य तिलक ही पड़ता है और मुंबई का आखिरी स्टेशन है आपका CST, जिसे बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उससे पहले उसका नाम था VT, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको बदल के कर दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो आपका आखिरी स्टेशन होता है, ठीक है। और इस साइड से दूसरे छोर से लोकमान्य तिलक आखिरी स्टेशन, तुम्हारे एसी में बुक करना है तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब स्लीपर करना है तो स्लीपर, एसी करना तो एसी और सेकंड एसी करना है, देखो सब बिता रहा है यहाँ पे। स्लीपर का कितना पैसा लगेगा, 690 रुपया, थर्ड एसी का कितना लगेगा, 1805 रुपया, सेकंड एसी का कितना लगेगा, तो कौन सा ज्यादा बढ़िया है, थर्ड एसी की सेकंड एसी, अभी 3 AC वहां लगाया, 2 AC लगाया, समझ पढ़ लेना तुमको, सेकेंड और थर्ड एसी मतलब थोड़ा सा कम और सेकेंड मतलब और हाई बढ़िया, और फर्स्ट क्लास में तो होता है ना फर्स्ट क्लास हाई फाई तो भी होते हैं, लेकिन यहाँ यही है। अब सिलेक्ट करेंगे जो भी टिकट बुक करना है, सिलेक्ट कर लेंगे और बुक पे क्लिक करेंगे, जैसे बुक पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे नाम आएगा कि पैसेंजर का नाम क्या है, सारा डेट बता रहा है कि 1 सितंबर को आप बुकिंग कर रहे हैं, 6:40 की ट्रेन होगी आपकी जो अगली सुबह आपको 10:28 में पहुंचा देगी आपकी मंजिल पे, ठीक है। उसके बाद से पैसेंजर नेम डाल देंगे, पैसेंजर का नाम क्या है, जैसे लिख दिया आकिब रजा, आकिब रजा, एज डाल दिया इनका 20 साल, जेंडर तो मेल, यहाँ प्रिफरेंस मांगता है, प्रिफरेंस का मतलब ये होता है ना, कई लोग थोड़ी सी ज्यादा होता है या फिर जैसे हमको कहीं भी सीट मिल जाए तो हम तो हैं कहीं भी चपक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कंडीशन वाली बात है, तो यहाँ प्रीफरेंस में आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी सीट की रिक्वायरमेंट है आपको, तो टिकट खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देगा लोअर अपर साइड, लोअर साइड अपर, मिडिल नहीं दिया यहाँ पे, तो लोअर अपर जो भी होगा, ज्यादातर तो लोग लोअर प्रीफर करते क्योंकि नीचे अपना रहेगा भोकाल रहता है, चढ़ने उड़ने में दिक्कत इनको होती है, तो जो भी है लोअर ले लिया। और कह रहा है और भी पैसे, मतलब एक ही किया है ना काउंटिंग, अभी भी एक ही टिकट करेंगे, अच्छा 4-5 लोगों का नाम और ऐड करें तो अभी भी एक ही टिकट काउंट करेंगे, समझ आ रही मेरी बात ना, ठीक है। और जब तक आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया सिर्फ 4 ही टिकट बुक कर सकते हैं,
एक बार आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो 12 टिकट हो जाता है कि महीने में आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए एक और पैसेंजर ऐड करना है, दूसरा कर लेते हैं, उसके पार्टनर को भी भेज देते हैं। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल और पूरा नाम अहमद, AHAMAD, सही है? हम जान रहे थे ये नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग, बिगाड़ दिए सब स्पेलिंग में। ठीक है, एज 21 साल। हाँ समझ रहे हैं। अरे चलो यार, उससे कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस में जो भी है, साइड लोअर का मतलब समझ रहे हैं, जो साइड में होती है, अरे गली में जो सीट होती है ना साइड वाली, उसको थोड़ा सा बैठने में भी आराम होता है ना। जैसे लोअर वाले लिए ऊपर वाला पता, मीडियम वाला सीट को दिया, ऐसे हेड के बैठना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो साइड वाला थोड़ा जमीन बढ़िया रहता है, उसमें एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाई मीडियम वाला कहो तो ऐसे झुक के दिक्कत, गर्दन टूट जाएगा तुम्हारा, या तो लेटे रहोगे या तो बैठ नहीं पाओगे, फिर दिक्कत होती है। तो जो भी लेना है साइड लोअर से साइड लोअर ले लिया। और बस अब बता रहा है इन दोनों का किराया कितना लगेगा, एक आदमी का बता रहा है, जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। मोबाइल नंबर इन्हीं का दिखाएगा, लेकिन चाहे तो आप बदल सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे बदल देंगे, जिसका बदलना है। चाहे रहने जी इनके मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। और उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है कि टिकट जब बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं आप, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अलॉटेड। मतलब कि टिकट बुक कर रहे हैं, मान लो 4 ही 5 टिकट थी और उस टाइम आप बुक किए, और कई लोग हो सकता है बुकिंग किए हो और किसी और में अलॉटमेंट हो जाए, तो यहाँ टिक कर दीजिएगा कि तभी हमारा टिकट बुक हो जब कंफर्म मिले। ये नहीं कि हम कर रहे हैं तो कोई और बीमार दिया पहले ही बाजी और हमको वेटिंग मिल जाए, RAC मिल जाए। अभी क्या चल रहा है, कंफर्म टिकट चल रहा है, तो अभी अगर सबका बुकिंग हो भी जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, RAC मिलेगा। जब RAC भर जाएगा तब वेटिंग चलता है। तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या ऐसा कंडीशन है जब जान रहे हो कि वेटिंग चल रहा है, अभी 10 दिन 4 दिन बाद जाना है अभी, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ये क्लिक कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि नहीं होता है कि आपको जाना है तो आप किसी भी कंपार्टमेंट बैठ के चले जाएंगे, चाहे AC मिल जाए, चाहे जनरल मिल जाए, चाहे स्लीपर जो भी मिल जाए चल जाए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने स्लीपर के लिए बुकिंग की है, आपने स्लीपर के लिए बुकिंग की है लेकिन स्लीपर में टिकट खाली है नहीं हुआ, तो AC में कभी हो जाता है कि एक दो सीट खाली है तो उसी में आपको भेज देंगे सब सब। बस यही होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। और आपका क्योंकि रूल है, रूल के मुताबिक आपको जगह देना है, कहीं वो जगह देगा ही, तो जितना आप कूल पैसा दिए उतना नहीं लगेगा, जितना AC वाला दिए उससे थोड़ा कमे में आपका हो जाएगा। इसको भी टिक करके काम किया करिए, क्या पता है स्लीपर के लिए बुक करें और AC में मौका मिल जाए पहली बार बैठने का। तो जो भी है कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि अगर मान लीजिए 4-5 लोग का टिकट बुक कर रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं उनको लोअर ही चाहिए, तो उसमें कर लीजिए टिक कि कम से कम आपको 2 लोअर तो चाहिए। अगर 5 लोग का 4 लोग का टिकट बुक कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोअर हमको चाहिए कैसे भी हाल में। नहीं होता है कि हम निश्चित निश्चय कर लिए कि कोई 2 सीट कम से कम लोअर हमको चाहिए चाहिए, हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे लेकिन महिलाएं जो है वो लोअर ही चाहिए, तो यहाँ पे उसमें भी टिक कर सकते हैं। और तब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस हो रहा है, कितना पैसा लगेगा, 0.35, यानी 35 पैसा में आपका इंश्योरेंस हो रहा है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो 4-5 लाख रुपया आपके आपके परिवार को मिलेगा। अगर आप शहीद हो गए उस ट्रेंड में तो 4-5 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा, तो 35 पैसा में 4-5 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन सोचो इससे भी गवर्नमेंट को कितनी कमाई है, जरूरी है एक्सीडेंट होता है कि 35 पैसा बन बन के करोड़ों चला जाता है। जैसे एक मूवी मूवी आई थी 32 गोल मीटर चालू, शाहिद कपूर की मूवी आई थी, उसमें क्या था, SPDL जो बिजली वाले थे वो देखते हैं बिजली के मीटर में एक लाइट जलती है, जल्दी घुसती रहती है, पर डे का 0.10 पैसा खर्च आता है, और 10 पैसा 1,000 करोड़ कस्टमर, मल्टीप्लाई कर लो लगभग पता नहीं कितना करोड़ का इनकम। और क्या है उसका यूज कुछ नहीं है, बस आपको चूतिया बनाने के लिए किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ बात है। तो और यहाँ भी और पूछ रहा है कि यहाँ पे आप देखो तुम्हारे पैसा ज्यादा लगेगा मेरे में, देखो यहाँ देखो इनके भी टिकट में बुक कर रहा हूँ कितना चार्ज लग रहा है, कि अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करेंगे 30 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और UPI से करेंगे तो 20 रुपया। अभी मैं करूंगा देखिएगा मेरे में कितना लग रहा है, बस UPI से करना, तो UPI पे टिक करिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब बता रहा है 2 टिकट बुक कर रहे हैं, किसान के लिए टिकट अवेलेबल है, सिर्फ 5 ही अवेलेबल है, देखो कितना ज्यादा दिखा रहा था 5 ही बचा है बस, अभी 93 कितना दिखा रहा था, सिर्फ 5 ही बचा है। अब बस कितना पैसा लगेगा, 5,514.30, क्लिक करिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए UNLED और कंटिन्यू कर दीजिए। अब किसे पेमेंट करना है, पे एंड बुक पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे UPI ID जिसे पेमेंट करना डाल लीजिए, मैंने डाल दिया 7355097794@YBL कर दिया मान लो, और पे कर दिया। अब क्या होगा, हमारे मोबाइल पे
फोन पे का यूपीआई आईडी मैंने डाला है, तो एक रिक्वेस्ट आएगा मुझे। ऐसे हैकर भी पैसा लूटते हैं, रिक्वेस्ट आता है आप पे कर देते हो, आप इतने होशियार हो। देखिएगा जैसे करेंगे, हमें एक नोटिफिकेशन आ गया, देखिए तुरंत कितना अमाउंट दिखा रहा है वहां पर, 52 करके दिखा रहा है, यहाँ दिख रहा है, बिना लिखा हुआ है, दिखाओ देखो ये अमाउंट आया है। यहाँ दो ऑप्शन है, पी और डिक्लाइन का, पी का मतलब पे कर देंगे और डिक्लाइन का मतलब बंद कर जाएगा अपने यहाँ। कैंसिल हो गया ना, चलिए अब मैं बस आज के लिए इतना ही। हो गया।